हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी फेमस डिश गट्ठी की सब्जी। ये बहुत ही इजीली बनता है और ये बहुत टेस्टी होता है। खाने में ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम गट्ठी बनाएंगे। एक बड़े से बोल में हम लगभग 2 कप बेसन लेंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हो, रेड चिली पाउडर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। ये हमने लगभग 1/2 टीस्पून जीरा लिया है। अब इसमें हम लगभग 1 टीस्पून तेल लेंगे। तेल डालने के बाद अब एक विस्कर की हेल्प से पूरी चीज़ें मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले बेसन में मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो इसे स्पून की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम हल्का हल्का करके इसका डो बनाएंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करते हुए वाटर ऐड करेंगे और इसका डो बनाएंगे। हमने वाटर बिल्कुल हल्का गर्म लिया है, इससे ये गट्ठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते हुए इसे बाइंड करेंगे। एक साथ सारा वाटर नहीं ऐड करेंगे, एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर और वाटर ऐड करेंगे। ऐसा हम लास्ट तक करेंगे जब तक सारा मिक्सचर बाइंड ना हो जाए। ये देखिए हमने सारा बाइंड कर लिया। नीचे हल्का सा बेसन बच गया है, इसे भी हम पानी डाल के हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब हमने सारे बेसन को बाइंड कर लिया। इसे हम हल्का सा गूंथ लेंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए अब हमारा डो बिल्कुल तैयार है। ये हमने हाथों में तेल लगा लिया है और ये चॉपिंग बोर्ड पे हम बनाएंगे। आप चाहें तो इसे चकले पे भी बना सकते हैं। हाथों में बॉल्स लेके इसे रोल करेंगे। तेल लगाने से बेसन हमारे हाथों पे नहीं चिपकेगा। चॉपिंग बोर्ड पे इसे ऐसे रोल करेंगे, लंबा सा शेप दे देंगे और ऊपर जो एक्स्ट्रा निकला है उसे भी हल्का सा चिपटा कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे बहुत पतला भी नहीं किया है और बहुत मोटा भी नहीं किया है। ऐसे ही हम बाकी बचे बेसन के भी रोल बना लेंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये देखिए कितने आसानी से बन गया। अब हम ऐसे ही सारा बना लेंगे। एक एक बनाते हुए इसे ऐसे साइड में रखते जाएंगे और फिर बाकी बचे को भी बना लेंगे। अब हमने सारे बना लिए। एक कढ़ाई में या पैन में हम वाटर लेंगे। वाटर को बिल्कुल अच्छे से बॉईल होने देंगे। बॉईल होने के बाद जो हमने रोल्स बनाए हैं उसे डाल देंगे। हम एक साथ जितने रोल्स बनाए हैं सब डाल देंगे। इस समय हमने फ्लेम को हाई रखा है। जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। एक नाइफ की हेल्प से इन सभी को अलग कर लेंगे और इसे पकने में लगभग 8 से 9 मिनट तक लग सकते हैं। 6 से 7 मिनट में ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी ये बिल्कुल अच्छे से नहीं पका है। जब हमें लगे कि जो रोल्स हमने बनाए हैं उस पे छोटे छोटे दाने जैसा दिखने लगे तब ही हम फ्लेम ऑफ करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अब इसमें दाने पड़ना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए इसे हल्का सा कुक करेंगे। जब इसमें दाने बिल्कुल अच्छी तरह से दिखने लगे, ये देखिए अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रहा है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए दाने कितने अच्छे से दिख रहे हैं। जब हमें ऐसा लगे तब ही हम फ्लेम ऑफ करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। अब ये बिल्कुल परफेक्टली बन चुका है। फ्लेम ऑफ करने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे एक बोल में ट्रांसफर करके भी कट कर सकते हैं। ये देखिए कितने आसानी से ये कट जा रहा है और ये बिल्कुल अच्छे तरह से कट रहा है। ऐसे ही हम पूरा कट कर लेंगे। आप इसे कितना भी मोटा और पतला कर सकते हैं। अब हमने सारा कट कर लिया। अब इसे साइड में रख देंगे और ग्रेवी की तैयारी करेंगे। एक बोल में हम लगभग 200 ग्राम दही और इसमें हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, धनिया पाउडर, और हम सॉल्ट लेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। सॉल्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे एक विस्कर की हेल्प से बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
ताकि दही में सारे मसाले मिक्स हो जाएं। ये देखिए अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसे साइड में रख देंगे और आगे की प्रोसेस को देखेंगे। ये हमने एक मिक्सचर जार में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ली है। हल्का सा वाटर डाल के इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे और हम इसी मिक्सचर जार में टमाटर की भी प्यूरी बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में लगभग 3 टेबल स्पून सरसों का तेल लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें हम पंचफोरन डालेंगे। आप चाहें तो सूखे खड़े मसाले भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। हम इसमें लगभग 3 मीडियम साइज की प्याज को बारीक बारीक कट कर लेंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज के गोल्डन ब्राउन होने पे सब्जी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखिए अब हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें हम हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। आप चाहें तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को दरदरा क्रश करके भी डाल सकते हैं या आप इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। इसे अच्छे तरह से मिक्स करके लगभग 2 मिनट्स तक फ्राई करेंगे। 2 मिनट्स फ्राई होने के बाद अब हमने जो दही का मिक्सचर बनाया था उसे डाल देंगे। इस स्पैचुला की हेल्प से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसे लगभग 2 मिनट्स तक फ्राई करेंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे ताकि दही बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाए। 2 मिनट्स में ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये भुन चुका है। अब इसमें हम टोमेटो प्यूरी डालेंगे जो हमने बनाई थी। टोमेटो प्यूरी बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको टमाटर नहीं पसंद है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तेल के बिल्कुल अलग अलग दिखने तक इसे फ्राई करेंगे। इसमें हमने लगभग 1 टीस्पून शुगर डाला है। इससे टमाटर का खट्टापन कम हो जाएगा और ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लगेगी। जब हमें लगे कि तेल बिल्कुल अलग अलग दिखने लगा है तब तक हमें इसे फ्राई करना है। अब ये अच्छे तरह से भुन गया। ये देखिए तेल बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। जब ये भुन जाए तब इसमें हमने जो गट्ठे बनाए हैं उसे डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसे ढक भी सकते हैं। हम इसे ढक के या खुला ही लगभग 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि गट्ठे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा है। 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाएगा और ग्रेवी भी थिक हो जाएगी। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी कुछ ऐसी हो जाएगी। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे पूरी, पराठे, रोटी, नान किसी भी रेसिपी के साथ खा सकते हैं। हमारी गट्ठी की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए सब्जी कितनी बढ़िया दिख रही है और हमारी सब्जी बहुत ही सॉफ्ट बनी है। खाने में ये उतनी ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।